हेलो एवरीवन वन माई साहब लक्ष्मी फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्टेट लाइन ऑफ क्लास इलेवंथ एंड टॉपिक इज रिड्यूसिबल फॉर्म्स तो मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइंस डिफरेंट फॉर्म्स तो उनमें से आपकी ये फॉर्म थी y इजल टू एम एक्स प्लस सी तो ये हमारी बोली जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्योंकि ये आपका m जो है स्लोप इंडिकेट करता है और c जो है वो आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और इस फॉर्म को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजल टू वन इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपका इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पर इंडिकेट कर रहा है और ये आपकी थर्ड एक्स कॉसअल्फा प्लस वाई सैनअल्फा इजकल टू पी ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है तो सबसे पहले हम इनमें इसको रिड्यूस कैसे करेंगे ये आपको देखना है इसमें अब ये दूसरा इसमें नेक्स्ट जो है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैल लाइन्स सपोज टू लाइन्स आर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन टू, टू जीरो एंड ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू टू जीरो यदि आपकी लाइन पैलल्स हैं तो x और y के कोपिशियंट जो होंगे वो सेम होंगे या फिर आपके इनके जो कोफिशियंट्स हैं वो आपके प्रपोर्सन में होंगे ठीक है तो जब आपके प्रपोर्सन में हैं तो आपको वो सेम करने पड़ेंगे आइदर मल्टीप्लाइंग द अदर इक्वेशन और डिवाइड बाई अदर इक्वेशन किसी को भी कोई एक ऑप्शन करना है आपने या तो डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई तो a1 b1 और a2 b2 टू मीन्स एक्स वाई के कोफिशियट सेम होंगे तो आपका डिस्टेंस बिटवीन पैलर लाइन्स डिफरेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्ट मीन सी वन माइनस सी टू मॉड ऑफ दिस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र रूट ऑफ दिस ये आपका डिस्टेंस फॉर्मुला हो जाएगा बिटवीन पैलर लाइन्स एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम द पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन दैट विल बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड ऑफ दिस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी ये आपका फॉर्मूला होगा तो ये हमारा टेन पॉइंट थ्री जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है तो फर्स्ट आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं सो फर्स्ट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व अब देखो इसके अकॉर्डिंग ओनली वाई शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड सो पुट दिस इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोज दिस फोर एक्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड इट मीन्स थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फोर एक्स और डिवाइड बिकॉज द कोपिशेंट ऑफ वाई वन इट मीन्स डिवाइड द गेट वाई इज इक्ल टू माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स एंड प्लस फोर अब हम कंपेयर करते हैं विद इक्वेसन देन एम इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री एंड सी इज इक्वल टू फोर तो ये वैल्यू आपकी सी की होगी और ये वैल्यू आपकी एम की होगी तो अब यहाँ पर हम जो है एम फाइंड आउट करने के मैंने दो फॉर्मुला बताए पहले वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये यदि आपको पॉइंट्स गिवेन ने और दूसरा बताया है कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा इफ एंगल बिथ एक्स एक्सिस गिवेन है अब थर्ड इज दिस स्लोप दैट एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी वी आर ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई इन इक्वेसन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सो दिस फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन ये आपकी लाइन की जनरल फॉर्म है सेकंड है कि इफ वी वांट टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली इन द राइट हैंड साइड देयर शुड बी वन सो मीन्स द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन दैट शुड बी इन राइट हैंड साइड दिस इज ऑल्सो गिविन यह आपको गिविन है अब टू मेक दिस ट्वेल्व वी विल डिवाइड द ईस्ट बाई ट्वेल्व सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज फोर एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व मैंने इसको डिवाइड कर दिया अब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये आपका थ्री और इसको कैंसिल करेंगे तो आपका फोर और ये आपका वन देन एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर दैट इज इक्वल टू वन सो इट इज़ द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड यू कैन नो अबाउट द इंटरसेप्ट ऑन एक्सेज सो एक्स इंटरसेप्टेप्टज थ्री यूनिट एंड वाई इंटरसेप्ट इज फोर यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस एंड टू रिड्यूस इन दिस फॉर्म कॉन्स्टेंट आर्म दैट शुड बी इन राइट एंड साइड बट इट शुड बी पॉजिटिव यह आपका पॉजिटिव होना चाहिए इस केस में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपका वहाँ पॉजिटिव होना चाहिए सेकेंड फर्स्ट मीन्स आपका इसके लिए पॉइंट है जो कांस्टेंट है कांस्टेंट दैट शुड बी पॉजिटिव फर्स्ट आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है देन सेकेंड डिवाइड द होल इक्वेशन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वी आर ए इज द कोपिशेंट ऑफ एक्स बी इज द कोफिशेंट ऑफ वाई इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ए स्क्वायर इज सिक्सटीन बी इज नाइन देन रूट ऑफ दिस इज फाइव इट मीन्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाई फाइव एंड दिस इज पॉजिटिव इट मीन्स यू विल गेट फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव वाई इज टू ट्वेल्व अपॉन फाइव अब आपका दिस विल बी कॉस अल्फा एंड दिस विल बी साइन अल्फा एंड दिस इज दी सो इट इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द दिस इक्वेशन इसी इक्वेशन की आपकी ये नॉर्मल फॉर्म है तो आप यहाँ पर कॉस अल्फ़ा लिखोगे या कॉस बीटा सॉरी साइन अल्फा लिखोगे और इज इक्वल टू तो पी और आप लिख दोगे वी आर साइन अल्फा ई और कॉस अल्फा इज इक्वल टू तो फोर अपॉन फाइव इतना आपने लिखना है तो ये आपकी फॉर्म रिड्यूस हो जाएंगी इसमें अब मैं इसमें आपका इसका एग्जाम्पल लेता हूँ कोई भी कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फाइंड द distance of this line from the point minus 1 and 1 so reduce this in general form so multiply this equation by 12 means it will be 12x plus 72 is equal to 5y minus 10 and transpose this from the this side to that side means you will get 12x minus 5y then this will be plus 82 is equal to 0 तो ये आपकी जनरल हि एज अ ट्वेल्व बी इज माइनस फाइव सी इज एटी टू एंड पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन इज दिस सो अकॉर्डिंग टू दिस इट इक्वल टू ए a. इज ट्वेल्व एंड एक्स वन इज माइनस वन प्लस बी इज अ माइनस फाइव एंड वाई वन इज वन प्लस सी इज एट्टी टू एंड मॉड ऑफ दिस अपॉन ए स्क्वायर दैट इज ट्वेल्व स्क्वायर एंड प्लस minus uh, 5 square and root of this. So 12 minus 12 into minus 1 that is minus 12 minus 5 minus 17 and plus 82. So minus 17 plus 82 mod of this upon this will be 169 root of this. So this will be 65 and uh, this will be 13. So 5 unit that will be the answer of this question your next question is find the distance uh, find the point on x-axis uh, which is at the distance of 4 unit from this line so reduce this in general form so lcm of uh, these two terms is 12 so multiply the east term by 12 then you will get 4x plus 3y is equal to 12 means minus 12 is equal to 0 so it is the general form and find the point on x-axis means point on x-axis then that will be x comma 0 it means your x1 is x and y1 is 0 so put here 4 into x plus uh, 3 into 0 minus 12 mod of this upon a square plus b square that is 16 plus 9 root of this that is given to you 4 so this is equal to 4 and to eliminate means uh, this uh, by simplification you will get 4x minus 4x minus 12 mod of this is equal to it will be 5 5 into 4 is 20 and to eliminate this uh, modulus sign first take plus 20 then minus 20 it means 4x minus 12 is equal to 20 and uh, फोर एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू देन एक्स इज इक्वल टू एट और इफ़ वी टेक फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी देन फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस एट और x इज इक्वल टू माइनस टू इट मीन्स पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी आयदर माइनस टू कॉमा ज़ीरो और एट कॉमा जीरो सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन योर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू माइनस टू कॉमा थ्री फॉर पैल लाइन्स आपकी कोई भी पैलर लाइन्स हैं देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल एम वन इज इक्वल टू एम टू अभी आपको बताया था फॉर्मूला फॉर अ स्लोप माइनस ए अपॉन बी इट मीन्स एम वन मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट मी माइनस ए minus 3 and b is minus 4 so this will be equal to 3 upon 4 it is the slope of line so and parallel means slope of required line will also be 3 upon 4 therefore equation passing through this means point and slope form formula y minus y1 is 3 is equal to m 3 upon 4 x minus x1 x plus 2 multiply this 4y minus 12 is equal to 3x plus 6 and transpose this all terms in uh, right hand side so means this will be 3x minus 4y 3x minus 4y plus 18 is equal to 0 this is the answer and uh, your next question find the equation of line which is perpendicular to line x minus 7y plus 5 is equal to 0 and whose x intercept is a 3 it means x intercept this is given so x intercept is given it means point will be 3 comma 0 therefore point is given and slope of this line that is a minus a upon b minus 1 minus 7 it means 1 upon 7 for perpendicular lines m1 into m2 it should be equal to minus 1 so m1 is a 1 upon 7 and m2 it is unknown that is minus 1 then m2 is equal to minus 7 therefore line equation of line y minus y1 so y1 is a 0 m m is minus 7 x minus 3 it means then it will be equal to y is equal to minus 7x plus 21 and transpose in this sides means 7x plus y minus 21 is equal to 0 so this is the equation of required line for this question and for next find the equation of line which passes through 2 3 and uh, line intersect each other at uh, 60 degree and uh, slope of the one line is uh, 2 means up to e manually so this is the 60 degree and one line is uh, slope is uh, 2

m1 is 2, m2 is unknown and uh, 1 plus 2m. So on uh, cross multiplication first write this minus root 3 other that will be 3 root 3. It means first uh, we will take positive value means minus 2m is equal to root 3 plus 2 root 3 m or m you take it. then uh, 2 minus root 3. It will be equal to m is uh, 2 root 3 minus plus 1 so m is equal to 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1 so it is the slope of the line then you can find the equation by using point and uh, slope form y minus y1 is 3 and is equal to m m is a uh, 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1 and x minus x1 is uh, 2 दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपका लाइन की इक्वेशन होगी अब एक बार आप इस वैल्यू को माइनस रूट थ्री लेके एम की वैल्यू निकालोगे पुट हेयर दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन और नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाई सेक्टर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस राइट बाई सेक्टर मींस इट इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाई सेक्टर मीन्स मिड पॉइंट तो so, ये आपका थ्री और फोर ये आपका थ्री कॉमा फोर और ये आपका माइनस वन कॉमा टू सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला कोर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी माइनस थ्री सॉरी थ्री माइनस वन अपॉन टू दैट विल बी वन एंड फोर प्लस टू सिक्स इट विल बी थ्री एंड राइट बाई सेक्टर मीन्स इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सो दीज टू लाइन्स अकॉर्डिंग टू स्लोप मीन्स स्लोप दैट विल बी Of this line y2 minus y1 that is minus 2, x2 minus x1 that will be minus 4. It means it will be 2, 1 upon 2. And uh, slope is 1 upon 2. And let uh, slope of this line is m, but these are perpendicular. Therefore, m1 into m2 it should be equal to minus 1. So, m1 is m and m2 is 1 upon 2 is equal to minus 1. Therefore, slope is minus 2. इक्वेशन ऑफ लाइन y- माइनस वाई वन इज थ्री इज इक्ल टू एम इज माइनस टू एक्स माइनस वन सो सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर नेक्स्ट फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट माइनस वन टू थ्री टू द लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इज इक्ल टू जीरो आपने इसको निकालना है फुट तो सेम आपका इसी तरह से होगा मैंने ये आपका लाइन लिया है ये आपका पॉइंट माइनस वन कॉमा थ्री है एंड दिस विल बी लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो अब आपका ये जो पॉइंट है इट विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स बट दीज टू लाइन्स आर परपेन्डिकुलर देर फोर स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर थ्री अपॉन फोर

x minus x1 that is plus 1. So, means uh, you can write here 3y minus 9 is equal to minus 4x minus 4 and transpose all terms in left hand side uh, therefore, it will be 4x plus 3y and uh, minus 5 is equal to 0. So, it is the required line. So, on a solving

y minus वाई अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू इन टू दिस अपॉन दिस एंड सेम x दिस आप देखो याद रखने के लिए आपकी ट्रिक सीधा है ये आपका फॉर्मूला देखो a एक्स वन बी वाई और यहाँ रूट है यहाँ पर रूट नहीं होता तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइन आपने माइनस यूज करना है यहाँ पर नेक्स्ट जब आपने y कोऑर्डिनेट गालना है तो आपने y minus वाई और y का कोविशियंट लिखना है b और x कोऑर्डिनेट के लिए x माइनस और उसका कोविशियंट a अब देखो मैं एक कोऑर्डिनेट ट्राई करता हूँ एक आप अपने आप ट्राई करोगे मैं एक्स निकालता हूँ यहाँ से तो एक्स इट इज द फुट एंड दिस इज अ पॉइंट वी आर वी आर डॉइंग द परपेंडिकुलर तो एक्स वन दैट इज माइनस वन मीन दैट वन एंड बी बी इज अ सॉरी ए इज अ थ्री इज इक्वल टू ए एक्स वन माइनस साइन ए इज थ्री एक्स वन इज माइनस वन माइनस फोर बी इज अ थ्री एंड सी माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन अपॉन ए स्क्वायर इज नाइन बी स्क्र इज सिक्सटीन अब इसको सॉल्व करते हैं एक्स प्लस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री और माइनस ट्वेल्व ये आपका हो गया माइनस फिफ्टीन तो माइनस थर्टी वन और माइनस पहले लगा हुआ है आपका तो ये आपका हो जाएगा प्लस थर्टी वन अपॉन ट्वेंटी फाइव अब थ्री से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू नाइंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव और एक्स इज इक्वल टू हम करेंगे तो नाइन्टी थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस वन तो ये ट्वेंटी फाइव माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ऑन ट्वेंटी फाइव सो सप दिस थर्टीन माइनस फाइव एट एंड एट माइनस टू सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव सो एक्स कॉर्डिनेट विल बी सिक्सटी एट अपॉन ट्वेंटी तो आप ये शॉर्टकट इसको यूज कर सकते हो इट इज द शॉर्टकट फॉर फुट ऑफ पर पेंडिकुलर और आप इमेज के लिए यहां पर आप टू पुट कर दोगे और आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन दिस विच मीट एट द पॉइंट माइनस वन कॉमा टू सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c. तो अब आपका है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन टू एंड अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m सो so therefore 2 into minus माइनस into slope स्लोप ऑफ line सब इसको मैं पहले लाइन को m1 ले रहा हूं दोनों सेम हो जाएंगे m तो दियर फोर आपका माइनस से माइनस कैंसिल m इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ये आपका स्लोप निकल के आ गया इसका अब आपने c निकालना है दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन

Your uh, next question of exercise if the p is the length of a perpendicular drawn from origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and uh, q is the length of perpendicular from origin to the line x sec theta plus uh, y sec theta that is equal to k then prove that p square plus 4 q square that will be equal to k square.

And uh, b square is a uh, sine square theta and root of this. It means this will be one, this will be zero, and this so it will be k cos 2 theta. So it is the value of p. Similarly, value of q. So distance of this line from the origin. So sec theta into zero plus cosec theta into zero. A x1 b y1 and c is minus k mod of this. अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र मीन्स सैक स्क्वायेयर थीटा प्लस कुक्वायर थीटा रूट ऑफ दिस दैट इज क्यू ये आपका जीरो ये जीरो मीन्स के अपॉन सैक स्क्वायेर इट कैन बी रिटेन एज वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट कैन बी रिटेन एज वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सो दिस अ रूट ऑफ दिस बाई टेकिंग एल्सियम ऑन सिंप्लीफिकेशन योर एल्सियम विल बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायेर एंड हेयर इट विल बी साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्वायेर दैट इज वन it means this will be k sine theta cos theta according to this so left hand side of this uh, proof that is p square so p square is this k square cos square 2 theta plus 4 and uh, this will be k square sine square theta cos square theta so taking k square is common from this uh, then you will write cos square 2 theta plus it will be टू साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्टाटा डेट इज साइन टू टू थीटा एंड दिस इज वन इट विल बी इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये आपका ये क्वेश्चन होगा एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन पीज देंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवलीफ लाइन विच मेक्स द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड एक्सिसक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन मैं उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं ठीक है आपका तो इसमें इसको मैं ए बी से मल्टीप्लाई करता हूं देन योर लाइन विल बी और इक्वेशन विल बी बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो मैंने केवल इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन मीन्स बी इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो माइनस ए बी मॉड ऑफ दिस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस इट इज गिवन पी ये आपको पी गिवन है तो आपका ये जीरो ये जीरो आपका ए बी अपॉन दिस और मुझे निकालना है वन अपॉन पी So is square 1 upon P it can be written as reciprocal of this means a square plus b square root of this upon a b and squaring both sides then 1 upon p square it will be equal to a square plus b square upon a square b square and divide the each term by this then you will get 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square. सो इट इज द प्रूफ ये आपको प्रूव करना था तो आप यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज और रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ़ द एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग